विमानों की नाइट पार्किंग 11 से बढ़कर 26 होगी। इससे पूर्वोत्तर से जुड़ेगा इंदौर। 24 घंटे खुलने लगा एयरपोर्ट। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इंदौर की देवी अहिल्या बाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 अक्टूबर से एक बार फिर 24 घंटे खुल गया है। इसी साल 27 मार्च से रात को 11 से सुबह 6 बजे तक एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहने से नई उड़ानें भी जुड़ेंगी। इधर नए विंटर शेड्यूल में पुणे जाने वाली फ्लाइट के टाइम टेबल में बदलाव कर इसे रात में शिफ्ट कर दिया गया। 24 घंटे खुले रहने और पार्किंग की संख्या बढ़ने से इंदौर को अलग अलग शहरों के लिए नई फ्लाइट मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंदौर से पूर्वोत्तर के लिए भी फ्लाइट मिल सकती है। शहर के सिख समाज के लिए अमृतसर से भी फ्लाइट शुरू करने की मांग की गई है, क्योंकि सीधे फ्लाइट होने पर इंदौर से पंजाब की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं इंडिगो के पहले इंदौर से सूरत के लिए फ्लाइट थी जो कि बंद हो चुकी है। पार्किंग बढ़ने से ये फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। अब 26 विमानों के लिए पार्किंग की व्यवस्था। एयरपोर्ट पर 15 और विमानों के लिए नया पार्किंग बनने तैयार है। इसके शुरू होने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर एक साथ 26 विमान पार्क हो सकेंगे। इन शहरों का बोझ कम होगा तो इंदौर को मिलेगा फायदा। मुंबई और पुणे एयरपोर्ट पर प्लेन पार्क करने के लिए सस्पेंस की कमी बनी रहती है। दिल्ली और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी पार्किंग उपलब्ध नहीं है। इंदौर एयरपोर्ट पर हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे की फ्लाइट तो रात में आएगी ही, साथ ही पार्किंग स्पेस होने से अन्य शहरों के लिए भी एयरलाइंस नई फ्लाइट संचालित कर सकती है। समय में हुआ बदलाव। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में देश के सभी एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों का नया विंटर शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल में इंदौर से 30 अक्टूबर से 25 मार्च तक चलने वाली उड़ानों की जानकारी भी शामिल है। एयरलाइंस ने भी अपनी नई उड़ानों के साथ ही मौजूदा उड़ानों के समय में भी बदलाव किए हैं जो 30 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।